हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट आरजे मोहित निहित ऑन रेडियो स्टेशन 59.8 FM सरगम सराय। दोस्तों क्या है ना, ये आपका जो फेवरेट आरजे है ना मोहित मिहिर, इसको प्यार हो गया है। क्या प्यार करना कोई जुर्म है, कोई क्राइम है? अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे बहुत प्यार हो गया किसी से? दोस्तों आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, बहुत अकेला। और इस शहर में अगर मेरा कोई अपना है तो वो आप सब लोग हो। I really, really love her, guys. तो अब मेरी लव स्टोरी की बात यहां तक। आप लोग सुनिए अगला गाना, And You Go। क्या कर रहा है ये, होश में तो है? सर सर बात ये है कि मोहित सर ने ज्यादा ही पी लिया। What? पागल है क्या? इसको अभी के अभी यहाँ से निकालो, जाओ इसको उठा के फेंको। सर सर, सर क्या करें सर, जो चल रहा है चलने दीजिए, शो हिट हो जाएगा। सर मोहित सर नशे में ही सही बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। बस सर एक रिक्वेस्ट है, शो का नाम बदलकर टूटे दिल की दास्तान रख दीजिए। सर कोई सुने ना सुने सर फिर आशिक जरूर सुनेंगे। बात तो ठीक है, इसका प्यार हमारे काम आ सकता है। तुम इसके खाने और स्पेशली पीने का ध्यान रखना। डोंट वरी सर। सचमुच में लाज पहुंचा ली आपने तो हमारी। इला ने कह रहे ले लो ना चाबी, वापस नहीं संभला जा रहा ई घर हमसे। ये तुम्हें पहले समझना चाहिए था कुसिया। अब कछु नहीं हो सकता, गाड़ी बहुत दूर निकल गई है। अरे आज पैसे मिलेंगे या नहीं? जा बचा लो अपनी लाज। कितना झूठ बोलती है आप। पैसे हैं तब भी झिल्लाए जा रही हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कितनी देर से हम बैठे हुए हैं। ले लो पैसे जाओ, ज्यादा बकेती मत करने की जरूरत नहीं है। देख के नहीं चल सकते क्या? लगता है जूते खाने का ही दिन है, सेठ जी भी जूते चमका के ही बैठे होंगे। मम्मी मम्मी, गोस्वामी आंटी के यहाँ कुछ भी नहीं मिला, अब हमारा घर ही बचा है। अगर हमारे घर में कुछ सोना वगैरह मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे खाली तुम्हें काहे मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा और शायद तुमसे ज्यादा मजा आएगा। पाई लगी हम। अरे भाभी ये सब कहाँ है? घर में इतनी महान सन्यासी आत्मा विराजती है, अपन पूजा ऊजा कुछ भी नहीं की, क्या करते हो तुम लोग भाई? पूजा का क्या गाना गा रही है यहाँ? तो बस ये हमारी भक्ति में खलल डालने को पड़ी है। हम जिस मझधार से दूर जाना चाहते हैं उसी में धकेल रही है। अरे कुसिया, ये राम नाम की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया। ऐसा है ये ऐसा सब काहे बोल रही हो अम्मा? अरे इसकी महान बहुरिया चाबी सरकाए बिना खुद सरक गई। अब इसने मंगा लिया राशन, अब हाथ में न पैसा न कछु। जब भारी आई तो फोन लगा रही है, तो बहुरिया ने तो फोन बंद के बाजू में रख दिया। तो अच्छा है कि हम थे, नहीं तो रघुआ की इज्जत गोबर बन जाती। तो हमने भी हमारा सन्यासी धर्म थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दिया, माँ बन के हमारे बेटे की इज्जत बचा ली, थोड़े पैसे सरका दिए इसको। अरे वो बात तो हम समझ रहे हैं अम्मा, समझ रहे हैं। अरे छोड़ो ना ये सब, पहले हम तुम जैसी पुण्य आत्मा की आराधना तो कर लें। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो।
हे प्रभु जी, और फूल दो हमको। हाँ ये लो ना लो। अम्मा जी आज से हम आपको गुरु मानते हैं, हमारे आप ही सब कुछ हो हमारे। आज जिस तरह इज्जत बचाली अम्मा जी ने, अम्मा जी नहीं बोलेंगे गुरु जी बोलेंगे। रोज नया गुरु ज्ञान देना पड़ेगा हमको, है हमारी माँ तो नहीं बना सकते हम, इसलिए गुरु बना रहे हैं। सच्चे बनाओगी ना हमको? पता नहीं हमने कितने पुण्य किए होंगे जो ऐसी भक्ति करने वाली बहू टंगी है हमारे सर पे। दादू गुड जॉब प्रिया। थैंक यू सर। आई एम हैप्पी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब बाकी का प्रेजेंटेशन लंच के बाद देना जी, और क्लाइंट्स के सामने भी इतना ही पावरफुल प्रेजेंटेशन देना। डेफिनेटली, ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अम्मा हमको ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी आज। अरे छोटी रानी, तू हमेशा बड़ों की बातों में कान लगाए हुए काहे खड़ी रहती है बिटिया, है? ऐसा अच्छी बात नहीं है, तुझे सोचना चाहिए ना कि बुआ देख कहाँ से अधमरी होके चली आ रही है, उसके लिए चाय पानी कुछ पूछे कि नहीं पूछे, है? है ना? और तू ऐसा कर, इसमें ना समोसे है, ले समोसे ले जा और जाके सबको खिला दे। हाँ ले, शाबाश। और सुन, प्रीतिया को जरूर खिलाना है, और हमारे लिए एक डेढ़ बचा लेना, तो फिर बाद में काम आ जाएंगे हमारे, है? अरे नहीं नहीं हम चाय बना लाते हैं आपके लिए, है? तो चाय और समोसे थाली में ही सजा कर लाते हैं। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, आज अम्मा ने अभी तक कुछ थाली वाली नहीं दिख रही है, खाना वाना खाया नहीं है अम्मा के लिए कुछ? खाना बना नहीं है अम्मा जी ने, सिर्फ रोटी और नमक खाई है। हाँ हाँ, मतलब नमक और रोटी का खाना काहे नहीं बनाया भाई? किसी ने बोला भी नहीं खाने को, और बिना बगैर की दाल और रोटी ही बनी है, सब्जी भी नहीं बनी, कछु था भी नहीं। राशन तो देखो आपके सामने अभी आया है। अच्छा किया, अब बहुत अच्छा किया खाना नहीं बनाया, चाय बना। अच्छा निम्मी, तू ऐसा कर जो है ना, चार छह समोसे हमारे लिए अलग से रख ले, उका है बाद में शायद काम आ जाएंगे। मुझे पहले ही पता था बुआ जी, इसलिए छह समोसे अलग से ही निकाल के रख दिए आपके लिए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, चाय लाते हैं आपके लिए। हाँ, जी हाँ भाभी हाँ। बिना प्रिपरेशन के इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, अब तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। हाँ हाँ, वैसे आई नो, आई नो दैट आई एम द बेस्ट। हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा उड़ो मत, ठीक है? मेरा भी प्रेजेंटेशन बाकी है अभी, लेकिन लंच के बाद पता नहीं क्या होगा, बहुत भूख लग रही, चले लंच करने। हाँ चलो ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चल। अम्मा वो क्या बात है ना, कि हम प्रीतिया के लिए एक रिश्ता ढूंढ के लाए, बहुत जबरदस्त रिश्ता है बता रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा ना, तुम खुशी के मारे एक टांग पे नाचने लग जाओगे। हम सन्यासी, हमें का लेना देना किसी की शादी से? अम्मा हमसे काहे झूठ बोल रही हो, तुम सन्यासी हो, हम जानते हैं तुम कल जाके मोहितवा की जो ढिशुम ढिशुम कुटाई करके आई हो ना, हमें मालूम है। सन्यासी लोग ऐसा करते हैं का? नहीं कोई बात नहीं, दुनिया के सामने तुम सन्यासी बनी रहो, लेकिन हमें पता है ना अम्मा, तुम्हारे दिल में कितना प्यार है इस घर के लिए,
इस घर के लोगों के लिए, घर के रिश्तों के लिए तुम अपने दिल से वो प्यार कैसे निकाल पाओगी? तुम नहीं निकाल पाओगी अम्मा, हमें मालूम है। तुम चाहती कहा होता उस मोहितवा की शादी हमारी प्रतिया से हो जाए, ये चाहती हो? अरे वो मोहितवा दो कौड़ी का लड़का है, पगला है, एक नंबर का, कोनो काम का नहीं है। हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है, प्रीतिया की शादी वही होगी जहां लिखा है। अरे उसके लिखे हुए को अच्छा बनाने की ही तो हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी किस्मत संवारना चाहते हैं हम। इसीलिए हमने परी के देवर के लिए उसका रिश्ता सोचा है। बहुत मालदार, मतलब कि बहुत अच्छा लड़का है वो। घर परिवार को तुम देख चुकी हो, जानती हो सब लोगों को, बहुत सुंदर और सुशील लड़का है। जैसे हमारी परी खुश है ना वहाँ, वैसे ही अपनी प्रीतिया भी वहाँ खुश रहेगी। तुमने देखा है उसके देवर को? एक दो बार देखा है हमने, और परी ने भी हमें बताया है वो लड़का बहुत सुशील है, बहुत अच्छा है। वो का नाम है उसका, बोम्ब तो नहीं हो सकता, ब्योम नाम है उसका, ब्योम। और अच्छा खासा तगड़ा है, कौन ऐसा मरगिल्ला सा भी नहीं है। परी रिश्ता हो जाए तो रघवा का तो उद्धार हो जाएगा, और रघवा ने जो जो तुम्हारे लाने किया है उसका कर्ज भी चुक जाएगा। अम्मा का हम का एहसान चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए थोड़े कर रहे हैं, हम तो अपने भैया के लिए कर रहे हैं। हमें मालूम है इस घर में हमारा कितना अपमान हुआ है, लेकिन फिर भी हम तो इस घर को अपना समझ के, परिवार को अपना समझ के, दिल को बड़ा करके बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे रिश्ता हो गया ना तो सारे अपमान सम्मान में बदल जाएंगे, एक एक करके सारे अपमान को सम्मान में बदल देंगे। बहुत ही सही समय पे तू रिश्ता लेके आई है। हाँ माँ वो तो है, लेकिन एक दिक्कत है। तुम्हें हमारी कसम है अम्मा, तुम इस रिश्ते की बात किसी को बताना मत। कि अपनी प्रीतिया बहुत बदनाम हो चुकी है शहर में, कितनी बदनाम हो चुकी है प्रीतिया ये तो तुम भी जानती हो, हम भी जानते हैं ना। नहीं नहीं अभी, अभी नहीं। बता इस महान महिला को, हम नहीं बताएंगे, कसम है तुम्हारी, तू बता। भाभी ऐसे चेहरा चूरन मत करो, एक काम की बात कर रहे थे। वो कहा है ना कि हम जो है प्रीतिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाए हैं। हाँ लड़का बहुत अच्छा है और घर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि किसी के भी सामने है फिलहाल इस रिश्ते की बात खोलना मत। कहे कि हम अम्मा को भी यही बता रहे थे कि अपनी प्रीतिया है ना काफी बदनाम हो चुकी है बिचारी शहर में, तो उन लोगों को अगर प्रीतिया के बारे में पता चल गया तब तो रिश्ता होने के पहले ही टूट जाएगा ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि फिलहाल ये बात बड़ों के बीच में, बस हम तीनों के बीच में ही रख लो। कहा है ना कि अपनी प्रीतिया की प्रेम कहानी अगर उसके घर वालों को पता चल गई ना, बाप रे बाप, सच्ची में हम तो बता रहे हैं वो तो रिश्ते से मना कर देंगे, अच्छा भला लड़का हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं फिलहाल एकदम। लेकिन जी जी एक बात बताओ हमको, मतलब बस हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि ऐसे चोरी छुपे रिश्ते की बात करना है, रिश्ता करना अच्छा थोड़ी लगता है, मतलब आज नहीं तो कल बात पता चली जाएगी उन लोगों को, और फिर प्रीतिया को ऐसे वापस भेज दिया तो। अरे भाभी तुम है ना जबरदस्ती में हरिश्चंद्र नहीं काहे बन रही हो, सही बखत देख के हम धीरे से बात सरका देंगे उनके कान में, तब तक बात हम बड़ों के बीच में ही रहने देते हैं, वरना नजर लगाने वालों की कोनो कमी नहीं है। ठीक है हम किसी को कछु नहीं बोलेंगे। ठीक है लेकिन उसके पहले ना हम परी की सास के दिमाग में ये बात डाल देते हैं, कहे कि उसका दिमाग भी तो टटोलना पड़ेगा ना, क्या सोच रही है।
ठीक है जीजी, लड़का अच्छा है ना? अरे लड़का इतना अच्छा है भाभी, हम बता रहे हैं अगर अपनी प्रीतिया वहां पहुंच गई ना तो समझो उसका राजयोग शुरू हो गया। अगर ऐसा हुआ ना जीजी तो आपके नाम की माला जपेंगे, बड़ा एहसान होगा आपका। अरे छोड़ो ना, हटाओ का एहसान होगा, एहसान होगा है? अरे क्या भाभी, ये चाय ला के रख दी हो, समोसे कहाँ है? अरे हाँ वो पकौड़े बना दे आपके लिए। अरे हाँ ऐसा करो, बाकी कोई खा ना खाए हमारे लिए तो पकौड़े बना ही दो। नहीं मतलब नमक और रोटी बनी है? नहीं नहीं, वो बात का टांग रही हो, बना दे पकौड़े, हमें कछु फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है। अरे मिल गया, हुआ भैया खजाना मिल गया का? अरे नहीं सरला चाची, खाली यूं ही टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा। यही मिलेगा, यही मिलेगा। हे भगवान, अब क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी के बहुत सारे फोन आ रहे थे, मैंने फोन करना ही भूल गई। तो फोन कर लो ना, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? अरे हाँ करती हूँ, प्रेजेंटेशन के बीच में आ रहे थे इसलिए उठाया नहीं फोन, उठाती तो बॉस डांटते। पूछती हूँ सब ठीक है ना? फोन कर रही है। हेलो, अब काहे फोन कर रही हो? हम तुमको फोन कर करके पागल हो गए थे, तब तक तुमने हमारा फोन उठाया नहीं। सॉरी मम्मी जी, वो मैं प्रेजेंटेशन में थी। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, हमने तुमको कहा था महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, किराना मंगाना है, तुम्हारे भरोसे हमने इतना सारा किराना मंगा लिया, पैसे भी मांगे थे तुमसे, तुमने कहा कि हमसे ये सब हिसाब संभलता नहीं है, रसोई का आप ही संभालो, चाबी चाबी अब छोड़ के तो नहीं गई तुम? हमको वैसे भी चाबियां चाहिए कहाँ थी, हम तो पैसे मांग रहे थे, पैसे भी नहीं छोड़े, चाबियां भी नहीं छोड़ी। मम्मी जी आपके पास चाबी नहीं है? लेकिन मैं तो आपको चाबी देकर गई थी आपके हाथ में, आप अच्छे से देखो चाबी वहीं होगी। कहाँ रखी थी मम्मी जी? का मतलब पागल हो गए थे हम, पूरा घर छान छान के उलट पुलट कर दिया हमने पूरा घर, लेकिन चाबियां नहीं मिली। बेटा काहे ये सब बता रहे हैं? तुमको कछु बताना मतलब दीवार पे सर पटकने जैसा है। अम्मा जी ने वो बचा लिया, नहीं तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ता, उन्होंने दे दिए पैसे, मदद कर दी हमारी, क्योंकि वो किराने वाला जो था तस से मस नहीं हो रहा था, नाच रहा था हमारे सर पे। छोड़ो रखते हैं फोन। जी के पास चाबी नहीं है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।